हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस ओरिजिनल डुअल शॉक 4 की, जो मुझे सिर्फ 2500 कॉस्ट किया है। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलो फ्रेंड्स, हम इस बॉक्स का ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, आपको चाहिए तो आप पास करके देख सकते हैं। हमको उतना कुछ इससे बॉक्स से हमें मतलब नहीं है, हमें तो कंट्रोलर से मतलब है भाई। ठीक है, सब कुछ तो सही लग रहा है हमें। अरे ये क्या टेप है? अरे यार ये क्या है? चलिए हम इसे काटते हैं पहले। इसमें तो दिख नहीं रहा है कैमरा से। ओके, कट गए एक और ये है दूसरा। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कंट्रोलर होते हैं, ये सारे के सारे जो 2500 में ये लोग बेच रहे हैं कंट्रोलर, ये सारे वो जो डुअल डुअल जॉयस्टिक वाले कंट्रोलर आते हैं ना, वो जो कंसोल्स में डुअल जॉयस्टिक कंसोल्स, वो वाले कंसोल्स में ये एक एक जॉयस्टिक उठाकर हमें ऐसे डब्बे में पैक करके देते हैं। डब्बा तो कुछ लेजिट दिख रहा है मेरे को, बट फिर भी चलिए अनबॉक्स करके देखते हैं इसका कंटेंट क्या है। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअली में जॉयस्टिक तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, कुछ ये नहीं है यहाँ से कुछ। ओके, जॉयस्टिक तो लेजिट रख रहा है। ओ देखा आपने, वो सीरियल नंबर जो भी होता है वो निकाल देते हैं ये लोग। वो भैया ने कहा था वो सीरियल नंबर हम निकाल देते हैं ताकि कंट्रोलर को ट्रैक ना कर पाए, कोई भी कंट्रोलर को ट्रैक ना कर पाए। बट जॉयस्टिक तो अच्छा चल रहा है, कुछ बटन्स में प्रॉब्लम नहीं है, बटन सारे टैक्टाइल हैं। सारा का सारा तो अच्छा है, शोल्डर बटन सारे के सारे काम कर रहे हैं लगता है। इसमें जूस बाकी है? नहीं यार, ओ ऑन हो गया लगता है, जूस नहीं है इसके अंदर। चलिए चार्ज करके हम दिखलाते हैं। वैसे हमारे पास एक फेक कंट्रोलर है, उसे रख के मैं तुमको दिखलाता हूँ ये कैसे चलता है। ठीक है, चलिए मैं फेक कंट्रोलर लेके आता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा फेक PS4 कंट्रोलर। अगर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस बिटवीन चाहिए, तो मैं बना दूंगा एक ओरिजिनल और फेक कंट्रोलर के बीच में डिफरेंस बिटवीन। तो देखते हैं। देखा, ये जो सीरियल मार्क होता है ये सारे के सारे इसमें से निकाल दिया गया है। ये लोग ये इस ऐसे वाले बार को निकाल कर हमको 2500 पे ऐसे बेचते हैं। तो ये रखते हैं साइड में। और ये है मेरा अब जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, करेंटली जो यूज़ कर रहा हूँ वो वाला कंट्रोलर है। मैं क्यों एक ओरिजिनल PS4 कंट्रोलर के पीछे गया, मतलब मेरे को क्यों चाहिए था एक ओरिजिनल PS4 कंट्रोलर, क्योंकि जो ओल्ड वाला होता है उसमें बैटरी उतना नहीं खड़ती जितना ओरिजिनल में खड़ती है। तो बस यही था आज का वीडियो। आप जाते जाते लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ तक वीडियो देख दिया है तो सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, बहुत मुश्किल होती है और बहुत मेहनत लगती है हमें इस ऐसे सब वीडियो करने के लिए। अगर आपको ये शॉप का एड्रेस चाहिए या कुछ भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं बहुत मदद करूँगा कि आपको ये कंट्रोलर मिले। क्योंकि जो 4000 का कंट्रोलर है हमको 2500 में मिल रहा है, 1500 सेविंग हम कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ओरिजिनली लग रहा है मेरे को। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका रिव्यू करूंगा, कैसे है ये कंट्रोलर, क्या ये ओरिजिनल है क्या ये फेक है, ये सारे बातें मैं आपको बताऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।